सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल शालिनीज किचन को और इस बेल आइकन पे क्लिक करें और देखें मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप आए हैं शालिनीज किचन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों की पसंदीदा एक रेसिपी जिसे हम इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रोनी की रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो चलिए दोस्तों, इस इंडियन स्टाइल मैक्रोनी की रेसिपी को शुरू करते हैं। इंडियन स्टाइल मैक्रोनी बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी। चलिए दोस्तों, इस मजेदार सी किड्स स्पेशल रेडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैं मैक्रोनी को बॉईल करने वाली हूँ। यहाँ मैंने एक पैन ली है जिसमें मैंने एक ग्लास के करीब पानी ऐड किया है और साथ में डाल दिया है नमक। नमक मैंने 1/4 टीस्पून के करीब डाला है और 1/4 टीस्पून के करीब ही मैंने तेल डाल दिया है। तेल ऐड करने से मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है। और साथ में ऐड कर रही हूँ मैक्रोनी। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। मैक्रोनी की साइज जस्ट डबल हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट से हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही है और इसकी साइज बिल्कुल डबल हो गई है। तो अब मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद और इसे अब हम एक छन्नी में इस तरीके से छान लेंगे। मैक्रोनी हमारी बॉईल हो गई। अब चलिए चलते हैं अगले स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब तेल गरम किया है। तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी अदरक और लहसुन। इसे 30 से 40 सेकंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए। फिर मैं डालूंगी बहुत ही बारीक कटी प्याज। इसे भी अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। प्याज हमारी हल्की फ्राई हो गई है तो अब मैंने डाल दिया है टमाटर। साथ में ऐड कर रही हूँ नमक। नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो आप ध्यान से डालें। साथ में डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स करें और इसे हम तेल छोड़ने तक कुक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे मसाले से ऑयल रिलीज हो गई है तो अब मैं डाल रही हूँ केचप। केचप इस रेसिपी में मस्ट है, आप ज़रूर डालिएगा। स्प्रिंग अनियन की हरी वाली पार्ट डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं डाल रही हूँ ये बॉयल की गई मैक्रोनी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हम इसे भी कुक कर लेंगे। 1 मिनट के बाद मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटी धनिया पत्ती और हमारी ये टेस्टी सी इंडियन स्टाइल मैक्रोनी बनके तैयार है। मैंने इसे इस तरीके से सर्व किया है। आप इसे बच्चों की लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। मैक्रोनी जो मैंने ली थी वो सेमोलिना यानी सूजी से बनी थी, तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जिसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक किड्स स्पेशल रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।